हाई, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हम भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव 2016, 2017, 2018, 2019 इन सब के पेपर के जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए लगे वो मैं लेकर आई हूँ, और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में से 5 या 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा में मिले हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तेनालीराम किस राजा के दरबार में थे? तो राजा कृष्णदेव के दरबारी थे वो तेनालीराम, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, हमने लिया है एलिमेंटस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक यूक्लिड थे। अगला है, सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ में स्थित है। चतुर्थी तिथि के स्वामी कौन है? चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी हैं, गणेश चौथ से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीन से भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है? चीन से भारत को हिमालय पर्वत अलग करता है। सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना किसने की? 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये 9वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र का फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष को माना जाता है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, जातकों में कितनी कहानियाँ सम्मिलित हैं? इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, 547 कहानियाँ यानी 547 कहानियाँ जातकों में सम्मिलित हैं। तो जातकों में 547 कहानियाँ सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में 18 अध्याय हैं। हरिषेण, ये 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिषेण किसका दरबारी कवि था? हरिषेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पंचतंत्र के लेखक भी आ सकता है, विष्णु शर्मा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो में सारे ही अच्छे क्वेश्चन हमने पिछले साल के पेपर से कलेक्ट करे हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के अशोक स्तंभ का चक्र किससे संबंधित है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ का चक्र धर्म से संबंधित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अशोक ने अपनी प्रथम धर्म विजय पताका का झंडा कहाँ फहराया? तो एशिया माइनर में फैलाया था। अशोक ने अपनी प्रथम धर्म विजय का पताका का जो झंडा था वो एशिया माइनर में फैलाया था। अगला है, कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है, आ सकता है। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दूसरा नाम या पुराना नाम मेरठ विश्वविद्यालय है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहते हैं। पड़ोस कौन सी संस्कृति का भाग है? तो देखिए, पड़ोस जो है वो हम मानव निर्मित करते हैं, तो मानव द्वारा निर्मित जो भी संस्कृति है, पंखा टीवी, एसी, ये सारी जो है भौतिक संस्कृति में आते हैं। अगला है, नियम, मूल्य, नैतिकता, विचारधारा आदि किस संस्कृति के अंग हैं? तो देखिए, नियम कानून बनाने वाले हम नहीं होते हैं, ये जो है मूल्य, नियम, कानून, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नियम जो है मनुष्य बनाता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं बनाता है, तो अभौतिक संस्कृति के ये अंग हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पत्र 15, 16, 17, 18 के जो भी क्वेश्चन पेपर थे 19 के, उसमें से हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैंने इसमें लिए हैं। मेरा विश्वास है कि इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके इस बार के पेपर में 2020 में। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।